निसर्ग तूफान के बाद हुई बारिश ने बीएमसी के दावों की पोल खोल दी है। बारिश के बाद जगह जगह कचरे का अंबार लग गया है। हैरानी की बात यह है कि जिन नालों को बीएमसी साफ करने का दावा करती है, वो नाले थोड़ी सी बारिश में डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं। देखिए ये तस्वीरें, हर तरफ कचरे का अंबार है। जहां तक नजर जाएंगी कचरा ही कचरा नजर आएगा। ऐसा लग रहा है जैसा यहाँ किसी ने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। ये तस्वीरें मुंबई के घाटकोपर की है। बीएमसी के सबसे बड़ी लापरवाही, आपको बता दें, इतने बड़े नाले में डंपिंग ग्राउंड की स्थिति देखने को मिली। और ऐसे समय में कर्मचारियों की यहाँ पर तैनाती होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सफाई कर्मचारी नज़र आ रहा है। आपको बता दें, कचरे से भरे नाले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बीएमसी की पोल खुल रही है। उसके बाद से बीएमसी ने खबरदारी ली और अब क्रेन के जरिए कचरा निकालने की कोशिश की जा रही है। सुनिए इस विषय पर लोगों ने क्या कहा है। इस बीच बीजेपी ने बीएमसी पर सवाल उठाते हुए शिवसेना पर निशाना साधा है। यहाँ के नागरिकों को इसका सामना हर साल करना पड़ता है, इसी साल करना पड़ेगा, ये जो मानना है ये गलत है। क्योंकि हमारी ऐसी धारणा यहाँ के नागरिकों की कि जो नाला है या जो भी गटर है वो साफ सिर्फ बारिश करता है, बीएमसी नहीं। अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले भी ये कहा है कि ये जो नाला है ये सबसे अहम नाला है, क्योंकि घाटकोपर वेस्ट से लेते हुए ये पूरा नाला स्टार्ट होता है और वहाँ से जब पूरा सिल्ट वहाँ पहाड़ से जब नीचे आता है कचरा, तो वो निकालना जाना चाहिए, पर ये सिर्फ इस मुंह पे निकाल रहे हैं। हालांकि तकलीफ आगे है, वहाँ से कचरा निकालना ज़रूरी है, बट वो वहाँ पे कोई भी आला अधिकारी बीएमसी का जाता नहीं है। हर साल का एक ही कॉन्ट्रैक्टर ये लोग का रहता है, वही काम करता है, और ये जो रैकेट है इसमें बड़े पैमाने पर पैसा खाया जा रहा है, ये सीधा सीधा हम लोग का आरोप है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।